हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ नया रेसिपी में। समर सीजन चालू हुआ है तो क्यों ना हम ठंडे ठंडे मलाईदार मटके कुल्फी बनाएं, वो भी सिर्फ घर के दो सामग्री से। सिर्फ मिनटों में पकाने से यह गाढ़ी हो जाएगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मलाई कुल्फी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाएं और ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। एक कढ़ाई में हम सिर्फ एक चम्मच घी लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें अब दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। चाहे आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और इसे हम धीमी आंच पे भुनेंगे। इस तरह से आटा भुनने से कुल्फी बहुत टेस्टी बनती है। और जल्दी गाढ़ी भी होती है। अभी इसमें हम आधा लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे। आंच हमें धीमी ही रखनी है और इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि गुठलियां ना हो जाए। दूध को उबाल आए तब तक हम ड्राई फ्रूट्स और चीनी को पीस लेंगे। इसके लिए मैंने काजू बादाम पिस्ता और आधा कप शुगर, 3-4 इलायची लिए हैं और इसे हम एकदम पाउडर की तरह पीस लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बाउल में 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच दूध लेंगे और इसका भी गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। अभी दूध को हल्का हल्का उबाल आने चालू हुआ है, अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट और चीनी का पाउडर मिलाएंगे और मिल्क पाउडर का पेस्ट जो बनाया था वो भी मिलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही चलाना है। अभी इसे हमें 2-3 मिनट तक के लिए अच्छा पकाना है। देखिए कितना गाढ़ा हुआ है ये दूध। अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना कुल्फी तो एकदम गाढ़ी मलाईदार बन जाएगी। अभी गैस बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं। दूध अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मिक्सर जार में हम इसे लेंगे। मैंने यहाँ पे एक साथ नहीं रह जाएगा इसलिए आधा ही मिल्क लिया है, आधा दूसरी बार में चलाऊंगी और 2-3 मिनट तक ले इसलिए अच्छे तरह से चलाएंगे। अभी इसे ऐसे ही मिक्सर के जार में ही 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 2 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसे वापस हमें 2-3 मिनट के लिए चलानी है। अभी कुल्फी हम सेट करने के लिए रख देते हैं।
यहाँ मैंने एक मटका लिया है और दो कुल्हड़ लिए हुए हैं। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से इसको सजाएंगे। और एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे ताकि बर्फ न जम जाए। ऊपर से रबर बैंड भी लगाते हैं। अभी इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखते हैं, 5-6 घंटे के लिए रखते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओ देखिए कितनी गाढ़ी और मलाईदार कुल्फी बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए।